हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जयपुर अहमदाबाद फोर लेन पर भीषण सड़क हादसा। जयपुर अहमदाबाद फोर लेन स्थित किरवा ढोला के बीच बीती रात एक मिनी बस को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हो गए। ये सभी अजमेर शरीफ जियारत कर अहमदाबाद लौट रहे थे। हादसे के बाद सूचना मिलने पर सांडेरा से 108 मौके पर पहुंच शहजाद खान नर्सिंग कर्मी ने गाड़ी में प्राथमिक उपचार करते हुए सबको बांगड़ अस्पताल पहुंचाया। वहीं एक की मौत हो जाने के कारण शव को बांगर हॉस्पिटल केशव कारागृह में रखवाया गया। सोमवार को पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। बीती रात 1:15 पर अजमेर से मिनी बस में अहमदाबाद जा रहे जायरीनों की बस किरवा ढोला के बीच स्थित बालराई के निकट गाड़ी में फॉल्ट होने के कारण रुकी थी। इसी दौरान पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने मिनी बस को टक्कर मार दी। इस हादसे से अफरा तफरी मच गई। हादसे की सूचना मिलने पर सांडे राव और गुड़ा एंदला पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को बांगड़ अस्पताल पहुंचाया। घायलों के उपचार के दौरान चिकित्सकों ने अहमदाबाद निवासी सलीम पुत्र गफ्फार को मृत घोषित कर दिया। हादसे में गंभीर घायल राजकोट निवासी राजू भाई को जोधपुर रेफर कर दिया गया। बाद में मृतक सलीम को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जिसका सोमवार सुबह पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। अस्पताल में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी जमा हो गई थी। हादसे में मोहम्मद हुसैन, सलीम भाई, मुस्तिक अंसारी, असीर अहमद, गुलफशा बानो, हुसैन पुत्र कादर भाई, भीमानी निवासी सवाराम पुत्र भैराराम, ताज मोहम्मद पुत्र शौकीन, अदील पुत्र रसीद भाई, पद्मा बहन, संगीता बहन, दुर्गा घायल हुए हैं। घायलों में पद्मा बहन ने बताया कि हमारे मोबाइल और पैसे भी चोरी हो गए हैं और हमें बांगड़ अस्पताल में कोई सुविधा नहीं मिल रही। हमें अहमदाबाद जाने के लिए बोल रहे हैं, हमें सुविधा दिलवाएं। हम अनजान जगह पर किन के सामने हाथ फैलाएं, हमारी सुविधा करें। सुमेरपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।